घुल रहे हैं आपस में अब तो काला हो रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रीक्स का इंस्टेंट हेयर कलर शैम्पू, जो कि इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये एक पाउच है, 20 रुपये का आता है और ये क्लेम करता है कि 5 मिनट के अंदर आपके बालों को नेचुरल ब्लैक कलर दे देगा। तो ये मैं अप्लाई करूँगी अपने हस्बैंड के बालों पर जो कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं। मैं आपको पहले पैकेजिंग अच्छे से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से पीछे इसकी पैकेजिंग पे सारा कुछ लिखा हुआ है, 4 स्टेप्स में इसको यूज़ करना है और ये भी लिखा हुआ है कि आप पहले पैच टेस्ट कर लीजिए 24-48 घंटे पहले, किस तरीके से सारा कुछ ये लिखा हुआ है। अदरवाइज़ वैसे कोई एलर्जी वगैरह की कोई शिकायत नहीं आई है, अच्छा कलर आया है। कैसे किस तरीके से यूज़ करना है चलिए जानते हैं। और 20 रुपए का है, केमिस्ट की शॉप से हम खरीद के लेकर आए थे। तो चलिए इसको हम खोलते हैं कि अंदर से क्या क्या निकलेगा। इसको मैंने खोला तो अंदर से सबसे पहले इसका एक मैनुअल निकला है कि इसके ऊपर सारा इंस्ट्रक्शन लिखा है आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और उसी के अंदर है ना सारा कुछ, बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, तेलुगू में, मराठी में, पता नहीं किस किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बहुत ही क्लियरली लिखा है, अच्छा है। और ये नो अमोनिया, मतलब अमोनिया फ्री शैम्पू है। इंस्ट्रक्शंस पहले, मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंड है कि आप पहले इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़िएगा, उसी के बाद ही यूज़ करना। और इसी मैनुअल के अंदर ना आपको ग्लव्स मिलते हैं, ये प्लास्टिक के ग्लव्स, और ये ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले इन ग्लव्स को पहनना है, उसके बाद ही आपको कलरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। देन उसके बाद इसके अंदर से ऐसा ये पाउच निकला है, इसी के अंदर है सारा एप्लीकेटर और जो भी कलर है इसी के अंदर है। इसको यहाँ से हमें कट करना है और पूरा का पूरा इसको निकालना है और वही फिर अपने बालों पे हमें लगाना है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिएगा, 1 पैकेट या 2 पैकेट लगेंगे आपको। ये देखिए, ये है बाल पूरे सफ़ेद हो रखे हैं और इसके ऊपर हम अब अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो मैं ग्लव्स पहनूंगी, मैं ही अप्लाई कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं ही अप्लाई कर रही हूँ इसका ग्लव्स। हम सबसे पहले हम इसके ग्लव्स पहनेंगे और इसको कट करेंगे। जब हम इसको कट करेंगे ना तो अंदर से इसके आप देखिएगा 2 तरीके का लिक्विड निकलेगा अंदर से। ये देखिए, एक थोड़ा सा ना येल्लो कलर का है और एक वाइट कलर का निकलेगा ये। तो ये दोनों को मिक्स करेंगे ना तो जो कलर आपको चाहिए उसी कलर में निकलेगा। और ये जो शैम्पू है ना, ये 2 कलर में आते हैं, पहले एक नेचुरल ब्लैक में आया करता था, अब एक ब्राउन में भी आने लग गया है और केमिस्ट की शॉप पे आराम से मिल जाता है। 20 रुपये का है उसका प्राइस भी। और जब मैं इसको अपने हाथों पे ना रब करूँगी, मलूंगी, तो ये धीरे धीरे ना कलर चेंज होने लग जाएगा। देखिए, अभी से ही कलर चेंज होने लग गया, ये ब्लैक कलर है। अच्छा शैम्पू है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और सबसे अच्छी खास बात है कि ये ना साइड में आसपास कुछ डार्क पैचेस भी नहीं छोड़ता। देखिए, ये काला रंग होने लग गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ना मैं अप्लाई करूँगी इसके ऊपर बालों पे। ये देखिए, हाथ में बाहर आते ही काला काला सा रंग होने लग गया इसका। तो चलिए मैं आपको पूरा दिखाऊँगी किस तरीके से अप्लाई किया है और कैसे ही अपना रंग बदलता है एकदम से अप्लाई करने के बाद। इसके मैनुअल में लिखा था कि आप 5 से 10 मिनट तक इसको लगा के रखिए। इसको हमने ना कम से कम 7 मिनट तक लगा के रखा था। आप देख रहे हैं कैसे कलर चेंज हो गया, पूरा काला काला सा हो गया। शुरू में थोड़ा बैंगनी सा लग रहा था, फिर एकदम से काला कलर आ गया। जब तक सिर धुलता है तब तक मैं आपको इसकी और इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको ग्लव्स हमेशा पहनने हैं यूज़ करने से पहले। पूरा का पूरा जो भी पाउच है आप उसको यूज़ करिए, बचा के मत रखिए। 1-2 दिन पहले अच्छे से सिर धो, मतलब बिल्कुल तेल निकाल के सूखे बालों पर यूज़ करना है, बालों को गीला नहीं करना है। और आपको
एक से ज़्यादा पैक अगर लगते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा हो गया है, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर आपने अपने बालों में कोई पहले से कोई कलर या मेहंदी यूज़ किया हुआ है तो आपको कम से कम 2 महीने का गैप देना होगा ये वाले हेयर कलर को यूज़ करने से पहले। सारी इंस्ट्रक्शन लिखी है हिंदी में, इंग्लिश में, बहुत हेल्पफुल है, मैनुअल में सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत आसान है। काटो अपने हाथों में, वो मतलब लो हाथों में शैम्पू की तरह सर पर लगाओ और उसके बाद बालों को धो दो। बालों को आपको तब तक धोना है जब तक कि सफ़ेद पानी बालों से गिरने ना लग जाए। कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना इसको धोने के लिए। देख लीजिए आपके सामने ही रिजल्ट है, एक एक बाल काला हो गया। मैं तो बल्कि लगाने में डर रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ किया है कि पता नहीं कैसे इधर उधर कहीं एलर्जी वगैरह ना हो जाए, तो जी नहीं, ये वीडियो बन रही है 2 दिन के बाद मैं कर रही हूँ अपलोड। कोई किसी तरीके की मैं रुकी थी कि कोई किसी तरीके की एलर्जी तो नहीं होगी, जी नहीं, कोई भी एलर्जी नहीं हुई है बालों में, बल्कि शाइन आ गई है, प्योर नेचुरल कलर आ गया है। लग ही नहीं रहा है कि हमने डाई में ना अलग से दिखता है, लेकिन इसमें लग नहीं रहा है कि डाई किया है। पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको।